देखिए आज यहाँ पे जो वॉलीबॉल का जो टूर्नामेंट यहाँ पे शुरू हुआ है गर्ल्स सेक्शन में, तो इसको ऑर्गेनाइज जो है वो रोमी फोर्स कर रही है विद द कोलैबोरेशन ऑफ स्पोर्ट्स काउंसिल जो है हमारे जम्मू कश्मीर की, उसकी और वॉलीबॉल एसोसिएशन रजौरी के ताउन के साथ। तो इसका जो असल मकसद है वो यही है कि गर्ल्स सेक्शन को किस तरह से जो प्लेटफॉर्म जो है वो मुहैया किया जाए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हमारी गर्ल्स जो है वो किसी भी शोबे में मेल सेक्शन से जो है वो कम नहीं है। तो उनको सिर्फ कमी रहती है कि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो आई रोमी फोर्स ने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें कि वो वॉलीबॉल की शक्ल में अपना टैलेंट जो है उसका डिस्प्ले करेंगी। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह से स्पोर्ट्स काउंसिल और आर्मी जो है मिलकर कंपटीशन करवाएंगी, जिससे कि हमारे बच्चों को जो है एक मौका मिलता है और अपने टैलेंट जो है उसको डिस्प्ले करते हैं। क्योंकि वॉलीबॉल की शक्ल में अगर आप देखेंगे तो ये मंझाकोट तहसील है, इसमें गर्ल्स सेक्शन में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वॉलीबॉल जो है देखने को मिलता है। हर साल यहाँ से बच्चियाँ जो है वो नेशनल जाती हैं जो कि जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इस तरह के कंपटीशन से उनको और एक्सपोजर मिलेगा और आने वाले दिनों में वो काफी अच्छे तरीके से अपने टैलेंट को जो है वो डिस्प्ले कर पाएंगे। इसके लिए मैं वॉलीबॉल एसोसिएशन राजौरी और वॉलीबॉल एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारे बच्चों को जो है वो इस किस्म के प्लेटफॉर्म जो है वो मुहैया करते हैं। तो हम आगे भी इनसे यही उम्मीद रखेंगे। और असल जो है इन कंपटीशन का करवाने का जो मकसद रहता है वो यही है कि आजकल हमारा यूथ जो है वो ड्रग्स की तरफ जा रहा है। तो किस तरह से यूथ को ड्रग्स और दूसरी बुरी आदतों से बचा